नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल से संदीप पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चिल्सी अपन बनाने वाले हैं, जिसकी रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमने इंग्रेडिएंट्स लिए, ईस्ट है, एग है, फ्लावर है, शुगर है, सॉल्ट है, बटर है, इसके साथ में ऑयल है और वाटर। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स सॉल्ट को छोड़ के सारे मिक्स कर लेंगे और फिर उसमें हम ईस्ट मिलाएंगे और पानी मिला के धीमे धीमे डो बनाएंगे। जब हमारा डो बाइंड हो जाए तो हम उसको टेबल पे निकाल लेंगे और उसमें जो शेष बचा हुआ पानी है वो डाल के उसको नीट करेंगे। उसके बाद बटर और सॉल्ट वो भी मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम फिर से नीटिंग शुरू करेंगे। अच्छी तरह से डो हमारा नीट हो जाए तो हम विंडो पैन बना कर टेस्ट करेंगे। इसको अगर ये ट्रांसलेंट है तो हमारा प्रोडक्ट डन है। ये हमारा विद को पूरा विंडो पैन बन गया। अब दोस्तों हम लोग एक राउंड बॉल बनाएंगे और एक बॉल में रख के क्लीन रैप करके फर्मेंटेशन के लिए 10 से 15 मिनट के लिए हम लोग रख देंगे। दोस्तों करीब 15 मिनट हो गए हैं। 15 मिनट बाद हम उसको निकालेंगे डो को और उसको नॉक बैक करेंगे ताकि जो ईस्ट है हमारे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। उसके बाद हम डो को वापस से राउंड बॉल बना के रख देंगे। इसके बाद हमें ये टॉपिंग के लिए जो रेसिपी है वो निकाल ली है। शुगर है, बटर है, क्रैनबेरी है। अब हम लोग सबसे पहले शुगर और बटर को एक पेस्ट बनाएंगे और फिर उसी में जैम ऐड कर भी सकते हो या फिर बाद में भी उसको मिक्स कर लेंगे। तो ये हमने अब इसमें जैम ऐड कर दिया है। तो मिक्स बनाएंगे, हमारा एक पेस्ट रेडी बन हो जाएगा। जब हमारा पेस्ट बन जाएगा उसके बाद हम डो को रोल करेंगे रेक्टेंगुलर शेप में। डो को रोल करने पर जो बटर और जैम का हमने पेस्ट बनाया था वो पूरे डो पे अप्लाई कर देंगे। बटर पेस्ट लगाने के बाद उसके बाद हम रीजन, ड्राइड क्रैनबेरी, ब्लूबेरी और सिनेमन पाउडर को स्प्रिंकल करेंगे। स्प्रिंकल करने के बाद हम डो को फोल्ड करेंगे बिल्कुल हल्के हाथों से और बीच में एयर गैपिंग ना रहे इसे हल्का सा प्रेस भी करते रहना है। ये हमने प्रेस फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद हम स्क्रैपर से एक साइज के पोर्शनों में हम लोग इसको कट कर लेंगे। कट
करने के बाद इसको हम मोल्ड में लगा देंगे और उसके बाद इसको हम हल्के हाथों से प्रेस करेंगे। इसके बाद हम इसको थोड़ा दोबारा प्रेस करें ताकि जो गैपिंग है वो कवर हो जाए। उसके बाद हम प्रूविंग चैम्बर में रख देंगे जब तक ये पूरा डबल साइज ना हो जाए, 35 से 40 मिनट के लिए। देखो हमारे चेल्सी ओवन प्रूफ हो गए हैं, तो इनको उसके बाद तुरंत निकालेंगे और ट्रे को टैप नहीं करना है। उसके बाद हम बेकिंग के लिए 200 डिग्री पे हम जो प्रीहीटेड ओवन है ऑलरेडी उसी पे इसको बेकिंग के लिए डाल देंगे। 16 मिनट हम बेक कर लेंगे, निकाल लेंगे और हमारा प्रोडक्ट हमारा तैयार है। इसको कूलिंग रैक पे निकाल के डिमोल्ड करेंगे और उसको ठंडा कर देंगे। ठंडा करने के बाद इसमें आप आइसिंग शुगर के साथ डस्ट कर सकते हो या ऐसे इसको नॉर्मल डस्ट करके आप सर्व कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।